الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وقال تعالى في مقام آخر: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. मेरे भाइयों, दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना अपने रहमतें, बरकतें, अपनी खैरात और बेशुमार फवायद और खूबियां लेकर हमारे साथ हाजिर है, और हमें और आपको चाहिए इस महीने में अपने आप को बना लें, रब को राज़ी कर लें। ये महीना मालूम नहीं आइंदा साल हमें और आपको मिले या ना मिले, किसकी हो फिर दीद तेरी, किसका मिट जाए निशान। लेकिन आज के इस दर्स में जो इख्तिसार के साथ होगा, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये हर साल की एक हकीकत है। क्या हकीकत है? कि हम और आप हर साल रमजान का महीना पाते हैं। इसमें माशाल्लाह इबादत करने वाले एक दूसरे से बहम मुकाबला भी करते हैं। एक तरफ कुरान की तिलावतें होती हैं तो दूसरी तरफ जिक्र अज़कार की मजलिसें भी होती हैं, तीसरी तरफ सदकात व खैरात करने वालों का हुजूम भी होता है, चौथी तरफ कलमे तैयबा का विर्द होता है, पांचवी तरफ एक अहम जोश खरोश इस उम्मत के दिलों में होता है कि वो तरावी की नमाज पढ़ लें, और इसी अदायगी के लिए अच्छे हुफाज को तलाश किया जाता है। और बहुत से लोग इनमें ऐसे भी हैं जो 6 दिन में तरावी खत्म कर देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 15 दिन में खत्म करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस फिक्र में होते हैं कि 2 कुरान खत्म कर लें, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को उठकर इस्तिग़फ़ार तस्बीह तहमीद में लगे रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इफ्तार पार्टियां भी कर देते हैं, लोगों को जमा करते हैं या उनके घरों तक जाकर पहुंचा देते हैं। ये सारा सिलसिला रमजान के महीने में लगा रहता है। लेकिन अफसोस क्या है, इस माह मुबारक में सीजनली इबादत तो हो जाती है, लेकिन रमजान गुजरते ही मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। हमेशा फजर की नमाज में वही 2, 4, 5 मिस्कीन नजर आते हैं। इबादत के मकाम पर देखिएगा, इबादत की जगहों पर देखिएगा तो लोग नजर नहीं आएंगे, और वही लोग बुराई के अड्डों पर नजर आते हैं, लहव लाइफ की मजलिसों में शरीक होते हैं। ये तजाद क्यों है? ये सीजनली इबादत हम क्यों करते हैं? चंद दिन इबादत करके अपने रब को, मालिक को, खालिक को और उसके हकूक को क्यों भूल जाते हैं? उसकी वजह क्या है? मैं आपको आज की इस मजलिस में यही बताना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, एक सबसे बड़ी इबादत हमसे और आपसे मिस हो जाती है। वो क्या है कि हम जिस्मानी इबादत पर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन कल्बी दिली इबादत पर तवज्जो नहीं देते। और इसी कल्बी इबादत को या इन्हीं कल्बी इबादत को अल्लाह सुभानहू व तआला ने बुनियाद बनाया है, बुनियाद बनाया है। उस बुनियाद से हम लोग गाफिल हो जाते हैं। जाहिरी इबादत पर तवज्जो देकर जो कल्बी और बुनियादी इबादत है उससे गाफिल होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि यही इबादतें जब रमजान के बाद हमारे सामने होती हैं तो हम उसमें तसाहुली बरतते हैं, उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं।
मेरे भाइयों, सीजनली इबादत करने का फायदा नहीं है, सिर्फ जाहिरी इबादत करने का कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें और आपको ये समझना चाहिए कि कल्बी इबादत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी अजमत क्या है। तो आइए वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं आपको बतलाऊं। अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है, अपनी तौहीद के लिए ही पैदा किया है। इबादत किसे कहते हैं? सबसे जामे तारीफ शेख उल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने फरमाया, अल इबादतु इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दाह मिन अल अक़वाल वल अमाल अल बातिना व ज़ाहिरा। इबादत हर उस चीज का नाम है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है, उससे खुश होता है, उसका ताल्लुक कौल से हो, अमल से हो, जाहिर से हो, बातिन से हो। इसको क्या कहा जाता है? इबादत कहा जाता है। नमाज, ज़कात, रोजा, हज, अच्छी बात करना, अमानत की अदायगी, वालिदैन के साथ नेकी, ये सब ज़ाहिरी अमाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ तवज्जो कीजिए कि जो कल्बी अमाल हैं, बातनी अमाल हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की तरफ तवज्जो, तमाम दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना, मुकम्मल दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना, ये सब बातनी अमाल हैं। अगर बंदा बातनी अमाल को मजबूत कर ले, अल्लाहु अकबर, उसकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाएगा, उसकी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों से भर देगा। क्यों? इसलिए कि अगर बंदा कल्बी इबादत से गाफिल हो तो फिर याद रख लीजिए ये जाहिरी इबादत भी उसके लिए कोई फायदे का सबब नहीं है। तो शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह की इस तारीफ से बात वाज़ेह हो गई कि जो जाहिरी अक़वाल व अमाल हैं वो बदनी इबादत हैं, अब जो बातनी अक़वाल व अमाल हैं ये इबादत कल्बिया हैं, दिल की इबादत। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था इबादत की चार किस्में, कल्बी इबादत, जिस्मानी इबादत, जुबानी इबादत और माली इबादत। इन सब में सबसे ज्यादा अहमियत जिस इबादत की है वो कल्बी इबादत है। इसीलिए हर जाहिरी इबादत में भी कल्बी इबादत मख्फी है, हर जाहिरी इबादत में भी कल्बी इबादत मख्फी है। और इसीलिए ईमान की तारीफ ही उलमा इकराम ने पेश की है। क्या पेश की है? कि ईमान तीन चीजों का नाम है, जुबान से इकरार, दिल से तस्दीक और दिल का अमल, उसके बाद जिस्मानी अमल। ये तीनों का नाम क्या है? ईमान है। अगर इसमें से एक भी ना पाया जाए तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी ईमान से खाली है। अब देख लीजिए, मिसाल के तौर पर नमाज है, नमाज नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर खुशू ना हो, हमारे अंदर खुजू ना हो, और अगर इखलास नियत ना हो तो इस जाहिरी रुकू, सुजूद, क़याम, तशहुद का कोई फायदा नहीं है। क्या पता चला? कि जाहिरी और जिस्मानी इबादत ये कल्बी इबादत के ताबे होते हैं। चलिए यहां पर आपको मैं बताऊं कि कल्बी इबादत की अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत के लिए पॉइंट की शक्ल में याद रखिए, चूंकि वक्त भी कम है, कि कल्बी इबादत हर मुसलमान पर वाजिब है जैसे जिस्मानी इबादत वाजिब है, बल्कि जिस्मानी इबादत से ज्यादा कल्बी इबादत की अहमियत है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह सुभान व तआला तुम्हारे शक्लों को, तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल को और अमाल को देखता है। देखा आपने, अमाल से पहले दिल का तज़किरा है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन फिल जसद मुदगा, जिस्म में एक टुकड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो सारा जिस्म ठीक ठाक हो जाता है, उसकी इस्लाह हो जाती है। वइज़ा फसदत, अगर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, फसदल जसद कुल्लु, तो सारा जिस्म बिगाड़ से रूनमा होता है, बिगाड़ से मुतासिर हो जाता है। अला वहियल कल्ब, याद रखो वो दिल है। कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया, फइन्नहा ला तअमल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती है बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर है। ये सूरह हज की आयत है। क्या पता चला? कि अल्लाह के नजदीक दिल के अमाल की सबसे ज्यादा अहमियत है। और
दूसरी बात याद रखिए इस ताल्लुक से कि बंदा दिल के अमाल को बजा लाता है तो सवाब का मुस्तहिक होता है, और अगर उसमें सुस्ती बरतता है तो फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला दुनिया और आखिरत में भी सजा देता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ध्यान रखिए कि बंदा दुआ कर रहा है लेकिन उसका दिल गाफिल है, हालांकि जाहिर इबादत मौजूद है लेकिन दिल गाफिल है, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला महरूम कर देता है। और जो लोग भी कल्बी इबादत से गाफिल हैं उनको जाहिरी इबादत में मजा नहीं आता, लज्जत नहीं मिलती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत है, बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर दे कि उस मोहब्बत पर किसी मोहब्बत को तरजीह न दे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, अगर अपनी बीवी से, बच्चों से, दुनिया से, कारोबार से, डिग्री से, स्टेटस से सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करने लगे तो मुझे बताइए क्या ऐसा आदमी मोहब्बत करने वाला क्या अल्लाह की इबादत अल्लाह के हुकूक से दूर रहेगा? क्या पता चला कि जाहिरी अमाल के लिए एक बड़ी बुनियाद हमें क्या मिली है? अल्लाह की मोहब्बत है। मोहब्बत हो तो फिर बार बार हमें ठेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आओ नमाज के लिए, फजर में उठो, तरावी के लिए चलो, नहीं। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत वो चीज उस इबादत की तरफ खींचती है। बात वाज़ेह हो रही है? इसी तरह डर है, खौफ है, ये दिली इबादत की एक किस्म है। अगर बंदा अल्लाह से सही मानों में डर जाए, उसका खौफ अपने दिल में बसा ले, क्या किसी बुराई के करीब जाएगा? नहीं जा सकता है। बुराइयों की तरफ आदमी उसी वक्त बढ़ता है जब अल्लाह से बेखौफ हो जाता है, और ये अल्लाह का खौफ एक कोड़े की तरह है। अगर उसको ये पता हो कि अल्लाह हमसे नाराज हो रहा होगा, हम बुराई की तरफ चल रहे हैं, उसे ये पता हो कि अल्लाह ताला की बड़ी इबादत नमाज है, अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मुझ पर गुस्सा करेगा, कभी भी आदमी उसमें सुस्ती करेगा? अगर उसको ये पता हो कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो रहा होगा, अगर हम फजर की नमाज में सोए रहेंगे तो रात को सोएगा तो ये मोहब्बत लेकर सोएगा कि देखो मुझे उठना है, ये अल्लाह का हक है, जैसे हम दुनिया के सारे काम करते हैं इसी तरह हमें ये भी काम करना है, तो उसके लिए इबादत का बजा लाना आसान हो जाएगा। मोहब्बत, और इसीलिए सात तरह के लोग जिनको अल्लाह आज के साए में जगा देगा, उसमें से एक कौन आदमी है? एक आदमी वो है जो कि अपने दिल को मस्जिद से लटका कर रखता है। एक है नमाज पढ़ लेना, और एक है मस्जिद से और नमाज से दिल से मोहब्बत करना, कि निकले और बार बार फिक्र हो कि हमें मस्जिद में दाखिल होना है, तो भला बताइए ये नमाज उसके जिंदगी को बदल करके रख देगी। सिर्फ नमाज उठक उठक उठ बैठ के बिना पर नहीं, रुकू सुजूद और क्याम के बिना पर नहीं, बल्कि इस बिना पर कि उसे मोहब्बत है अल्लाह से, उसे मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसे मोहब्बत है नमाज से, उसे मोहब्बत है इबादत से। फिर ऐसे लोगों को बार बार कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाबा इकराम के बारे में क्या आपने कभी सुना कि बार बार उनको कहा जाता हो, अय फला, अय अबू बकर तुम फजर में क्यों नहीं आते, अय उमर तुम मगरिब में क्यों नहीं रहते, अय फला नहीं? क्यों? इसलिए कि जब उन्होंने अपने दिल को और अकीदे को और दिली इबादत को मजबूत कर लिया तो वो इंतजार में होते थे कि कब अजान हो और हम मस्जिद में दाखिल हों। बल्कि उनमें से ऐसे लोग भी गुजरे हैं 25 साल से मुअज्जिन अजान कहता है और वो मस्जिद में होते हैं, जैसा कि सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया है। बात वाज़ेह हो गई होगी। तीसरी बात हमने बता दिया कि कल्बी इबादत असल है, बदनी इबादत उसके ताबे हैं। चौथी बात याद रखिए, अल्लाह के नजदीक बंदों की अजमत और अहमियत उनके दिल में जो कल्बी आमाल हैं, कल्बी इबादत हैं, इस बिना पर कमी ज्यादती होती रहती है। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तो इज्जत अल्लाह के नजदीक वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो, तकवा इख्तियार करने वाला। क्योंकि तकवा और अल्लाह से दूरी, उसकी जगह क्या है? दिल है। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मर्तबा अपने सीने की तरफ इशारा करके, अत्तक्वा हा होना, अत्तक्वा हा होना, अत्तक्वा हा होना, दिल की तरफ इशारा किया कि तकवा की जगह दिल है, तकवा की जगह दिल है, तकवा की जगह दिल है।
तकवा की जगह नमाज नहीं है, तकवा का मकाम रोजा हज ज़कात नहीं है, ये तो एक सीढ़ी है पहुंचाने के लिए, लेकिन असल जगह दिल है। यहाँ मोहब्बत हो अल्लाह की, यहाँ डर हो अल्लाह का, यहाँ उम्मीद हो अल्लाह के लिए, तो ऐसा बंदा रमज़ान में भी इबादत करेगा। और जब रमज़ान गुजर जाए, चूँकि जड़ मजबूत है, उसने रमज़ान में ट्रेनिंग ले ली है, तो कभी भी नेक अमाल से गाफिल नहीं होगा। और इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सहाबा इकराम की सिफत बयान करते हुए, उलाइका असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानु अफ़ज़ल हाज़िर उम्मा, सहाबा इकराम इस उम्मत में सबसे बेहतर इंसान थे। हाँ, और क्या कहा, अबर्रहा कुलूबन, दिल के एतबार से सबसे ज्यादा नेक थे। अबू बकर अल-मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम सहाबा इकराम पर फायक क्यों रहे, सबसे ज्यादा ऊपर क्यों रहे, फजीलत में अजमत में सबसे बुलंद मकाम को क्यों पहुंचे, इसलिए कि वो नमाज रोजे की बिना पर नहीं पहुंचे, बल्कि जो दिल उन्होंने मजबूत किया था कल्बी इबादात की बिना पर, इस बिना पर सबसे आगे रहे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बावजूद के बेहसत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के छठे साल मुसलमान हुए, लेकिन अशरा मुबशरा में अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे आगे रहे। उसकी वजह क्यों थी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो ईमान में, इखलास में, सिद्क में, मारिफत में, फरासत में, नूर में सबसे आगे थे अबू बकर के बाद, और दिली ख्वाहिशात से दूर रहने वाले थे, अल्लाह के दीन को दिल से कायम करने वाले थे, इस बिना पर अबू बकर के बाद सबसे ज्यादा फायक रहे। इसलिए मेरे भाइयों याद रखिएगा कि इंसान को चाहिए दिली इबादत की ट्रेनिंग भी रमज़ान में ले ले, कि रमज़ान गुजरने के बाद मस्जिदों में नमाजियों को तलाश करने की नौबत ना आए। पांचवी बात याद रखिएगा, अल्लाह के नज़दीक आमाल उस वक्त शर्फ़ कबूलियत हासिल करती हैं और उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है जबकि दिल के आमाल उसके अंदर मजबूत होते हैं। दो आदमी हैं, एक अमल करता है, एक आसमान पर है, एक ज़मीन पर है। क्यों? इसलिए कि दिल में उस नेकी से मोहब्बत सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए दो आदमी नमाज पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबू दाऊद शरीफ के अंदर कि लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आधा सवाब मिलता है नमाज का, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1/4 सवाब मिलता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1/8 सवाब मिलता है, और बाज लोग तो ऐसे होते हैं जिनको रुकू सुजूद के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी अजर सवाब नहीं मिलता है। छठी बात याद रखिए कि दिल और दिल की जो इबादतें हैं अल्लाह ताला उसी तरफ देखता है, जाहिर को बाद में देखता है। जैसा कि वो हदीस मैंने पेश कर दिए, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे कल्ब को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे अमाल को देखता है, मुस्लिम की हदीस है। सातवीं बात याद रखिए, दिल बादशाह की तरह है और जो जाहिरी जिस्मानी आज़ा है ये उसके लिए लश्कर की हैसियत रखते हैं। अगर दिल दुरुस्त होगा तो जिस्मानी आज़ा भी दुरुस्त होंगे, अगर इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो सारा जिस्म बिगाड़ से मुतासिर हो जाता है। जैसा कि मैंने वो हदीस पेश की, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर उसकी इसलाह हो जाए तो पूरा जिस्म माशाअल्लाह दुरुस्त हो जाता है, और अगर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए दिल के अंदर, तो सारा जिस्म बिगाड़ से मुतासिर होता है। और वो याद रखिएगा दिल है जिसकी हिफाजत और दिल के जिसका एहतमाम, जिसके इस्लाह की फिक्र हमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बुराइयों की मोहब्बत कहाँ होती है, दिल में होती है। नेकियों से मोहब्बत कहाँ होती है, दिल में होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें और आपको इस्लाह की ज़रूरत है दिल की। आठवीं बात याद रखिए, इबादतों की लज्जत, उसमें उनसियत, इत्मीनान, आंखों की ठंडक, नफ्स की राहत, शरह सदर किससे हासिल होता है, जाहिरी इबादत से नहीं हासिल होता है। और इसी बना पर देखिए कितने लोग नमाज में होते हैं लेकिन दिल गाफिल होता है, लेकिन जब दिल की इस्लाह हो जाती है, अल्लाह से मोहब्बत होती है और ये एहसास होता है हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो फिर ऐसी इबादत अल्लाह को पसंद आती है और अल्लाह ऐसी इबादत को शरफ कबूलियत से नवाजता है। और मैं आपको चंद मिसालें भी दे दूं कि दिली इबादत क्या है जिसके इस्लाह की सबसे ज़्यादा अहमियत है। उनमें पहली चीज़ है इखलास, इखलास, इखलास। अगर छोटा अमल हो, इखलास हो, वो इबादत बड़ी हो जाती है, और बड़ी से बड़ी इबादत हो, इखलास ना हो, वो अमल छोटा हो जाता है। दूसरी इबादत याद रखिएगा, अल्लाह पर भरोसा करना।
अगर लोग अल्लाह पर भरोसा कर लें तो कभी भी वो परेशान ना होंगे, फाके से दो चार ना होंगे। अल्लाह उन्हें रोजी देगा शर्ती के वो ज़ाहरी असबाब इख्तियार करें। तीसरी बात, अल्लाह से मोहब्बत, मोहब्बत पैदा हो जाए सारे दीन पर चलना आसान हो जाए। चौथी बात, उसकी तरफ तवज्जो करे, दिल से जान से तवज्जो करे। पांचवी बात, उससे डरे, डरेगा तो बुराइयों से दूर रहेगा। छठी इबादत, उसी से उम्मीदें लगाए, करे और डरे, कैसा ना हो कि रद्द ना हो जाए, और साथ साथ उम्मीद भी लगाए। मोमिन खौफ और रजा के दरमियान में होता है। सातवीं बात, वादा और वईद की तस्दीक भी करे। आठवीं इबादत, रब तस्लीम करके उस पर राजी रहे। दिल की इबादत में से ये भी है कि बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो और अल्लाह की मुलाकात का भी ख्वाहिशमंद हो जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए। दिल की इबादत में से ये है कि आदमी सारे मुसलमानों की इज्जत करे। दिल की इबादत में से यह है कि दिल बुराइयों को नापसंद करे, अगर किसी पर बुराई का इल्तिबास भी हो जाए उसे भी नापसंद जाने। दिल के अमाल में से यह है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे, उनके लिए खैर की तमन्ना करे। अगर किसी भाई को खैर हासिल हो, हमारा दिल खुश होना चाहिए कि हमारे भाई को ये खैर हासिल हो गया है। लेकिन दिल की इबादत में कमी के बिना पर देख लीजिए, आज एक दूसरे से लोग हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, डाह कर रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, हड़प रहे हैं। क्यों? उनका दिल भाइयों के लिए साफ नहीं है। दिल की इबादत में से यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दिल को साफ सुथरा रखे। दिल की इबादत में से यह भी है, कार खैर के लिए अच्छी नीयत रखे, उसे मैसर आए चाहे ना आए। एक आदमी रात को दिल में इरादा करके सोए, अच्छी नीयत करके सोए, हमें फजर में उठना है, अगर नहीं उठ सका तहज्जुद में उठना है, अगर नहीं उठ सका तो अल्लाह ताला उस इबादत का सवाब देगा, मुकम्मल सवाब देगा। ये अलग बात है जब उठेगा तो वो इबादत अदा कर ले। क्या पता चला? अल्लाह के नजदीक अमल से ज्यादा बलीग चीज क्या है? और दिल का अमल है। इसी तरीके से रमजान का महीना जब हमारे साथ गुजर रहा है तो आइए हम रमजान की इबादतों में हम तलाश करते हैं कि दिल की इबादत क्या क्या मौजूद है। उनमें से पहली इबादत, इख्तिसार के साथ पहली इबादत याद रखिएगा कि इखलास है। अल्लाह अकबर, जैसी मोहब्बत अल्लाह से रमजान के महीने में पाई जाती है आम तौर पर, और जैसा इखलास पाया जाता है वैसा किसी भी इबादत में आपने नहीं पाया होगा। और इसीलिए हदीस कुदसी में अल्लाह का इरशाद है, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहु इल्ला सौम, बनी आदम का हर अमल अल्लाह के लिए, बनी आदम का हर अमल उसके लिए सिवाय रोजे के। हालांकि उसके लिए का मतलब क्या है? उसको अजर सवाब दे दिया जाता है, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। रोजे को अलग क्यों किया और फरमाया मैं उसका बदला देता हूं? इसलिए कि सब अमल अल्लाह ही के लिए, नमाज अल्लाह के लिए नहीं है, रोजा अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह ही के लिए है। बोल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है, इसमें उसका कोई शरीक नहीं है, सब इबादत अल्लाह के लिए। लेकिन तमाम इबादत में अल्लाह ने रोजे को अपने लिए स्पेशल कर दिया, अलग कर दिया है। क्यों? इसलिए कि हर इबादत में रियाकारी दाखिल हो सकती है लेकिन रोजा उसमें रियाकारी नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुभानहू व तआला उस पर मुत्तला होता है, बाखबर होता है कि बंदा सुबह से शाम तक बावजूद के सामने खाना है, पानी है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अल्लाह के लिए उसे पकड़ता नहीं है, अपने मुंह में लुकमा नहीं बनाता है। फ़इन्नहु ली, वो मेरे लिए है, इसलिए कि रोजे की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। बहुत से लोग जो रोज खाने पीने से रुक जाते हैं लोगों के सामने, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो रोजेदार नहीं है। क्या पता चला? कि जैसे तमाम इबादत में इखलास की अहमियत है, रोजे में सबसे ज्यादा इखलास पाया जाता है। चलिए दूसरी इबादत लीजिए, तौबा। अल्लाह ताला ने रमजान का महीना भेजा ही है कि हम तमाम गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह ताला हमें इस बात की भी खबर देता है कि हर रात को बहुत से जहन्नमियों को आजाद कर देता है और हर रात को आवाज लगवाता है, निदा लगवाता है, या बागी अल खैर अकबिल, ए नेकी करने वाले आगे आओ, और उसी में
जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारे काम क्यों किए जाते हैं कि बंदा तौबा करके, बंदा अल्लाह के सामने रो कर गिरिया गुजारी कर कर अपने गुनाहों से माफी मांग ले, ताकि अल्लाह ताला उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद करके बाबुर रैयान से उसको जन्नत में दाखिल कर दे। आइए तीसरी इबादत रमजान के महीने में जो कल्बी आमाल से उसका ताल्लुक है वो ये है, मुराकबा और निगहबानी है। जाहिर सी बात है आदमी रोजेदार है, खाली जगह में है जहाँ पे खाना और पीना है, लेकिन नहीं ले रहा है खाने पीने को। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। यही तो एहसान है ना। आप अल्लाह की इबादत इस तरह कीजिए कि गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, ये सबसे बेहतर कैफियत है। और अगर ये नहीं तो कम अज कम अल्लाह आपको देख रहा है। तो हर वक्त रमजान हो गैर रमजान हो, हमें अल्लाह की निगहबानी का ख्याल होना चाहिए, ताकि हम हर बुराई से दूर हो जाएं और अल्लाह ताला हमें उस जगह पे पाए जहां पे वो हमें देखना चाहता है, यानी इबादत के मकाम पर। चौथी इबादत रमजान के महीने में जिसका ताल्लुक कल्बी अमाल से है कि हमें उम्मीद भी हो अल्लाह से और खौफ भी होना चाहिए। अल्लाह ताला सवाब से नवाजता है, अल्लाह सुबहानहू व तआला अपने फयूज़ की बारिश बरसाता है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि रमजान ऐसा ना हो कि गुजर जाए और हमारी मगफरत ना हो सके। ज्यादा से ज्यादा दुआ हो, क्रिया वजारी हो, नेक आमाल हो, अकेले बैठकर अल्लाह के सामने रोना हो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाना हो, ये उम्मीद भी हो डर भी हो। और मोमिनीन की सिफत यही है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लज़ीन युक्तून मा आतौ वकुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। जो लोग देते हैं, खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीन युक्तून मा आतौ, देने के बावजूद दिल कांप रहा होता है, डर रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी इबादत को रद्द कर दे, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। इसका मतलब यह हुआ कि करते हैं और डरते भी हैं कहीं ऐसा ना हो कि रद्द ना हो जाए। आइए वक्त की नजाकत को देखते हुए आखिरी इबादत रमजान के महीने में ले लेते हैं, सब्र है। सब्र, ये सब्र भी कल्बी इबादत है। रमजान का महीना सब्र का महीना है। सब्र किस पर? जो भी इबादतें हम बजा लाते हैं उस पर सब्र कीजिए। दिल तो चाहता है बस औकात कि हम ना करें, क्योंकि हमारे पास नफ्स अम्मारा है, बुराइयों का हुक्म देता है रमजान के महीने में भी। कितने सारे लोग रमजान के महीने को पाकर भी अपनी इस्लाह नहीं कर पाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वालिदैन की नाफरमानी करते रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि रोजा रख लेते हैं लेकिन गंदी आदतें नहीं छोड़ते, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा, हुक्का, गुल, गुटका, इस तरह की गंदी चीजें नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, एक तरफ सब्र है अल्लाह की इताअत और इबादत पर, तो दूसरी तरफ बुराइयों पर सब्र है। ये बुराइयां हमारे हाथों में है, हमारे जेब में है, हमारे दिल में है, हमारे सामने है। फितनों का दौर है, बुराइयों का दौर है, तो हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और तीसरी चीज, अल्लाह के कजा या अल्लाह के फैसले, अल्लाह ने जो मुसीबतें परेशानियां भेजी हैं उस पर हमें सब्र करना है। ये तीनों सब्र की किस्में हमारी जिंदगी में पैदा होनी चाहिए। रमजान के महीने में भी बसा औकात बहुत से लोग भूख में होंगे, प्यास में होंगे, उनको इफ्तार के वक्त भी खाना मैसर न होता होगा। हमारी जिम्मेदारी तो है कि पहुंचाएं, लेकिन उनको भी चाहिए कि सब्र करें। और वतिलकल अय्याम नुदाविरुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला दिनों को गुजारता है, हर तकलीफ के साथ आराम है। तो ये चंद बातें हमने रमजान के ताल्लुक से बयान की हैं, और उसका ताल्लुक किससे है? कल्बी इबादत से है। कल्बी इबादत को मजबूत कीजिए, जाहिरी इबादतें खुद मजबूत हो जाएंगी। कल्बी इबादत को अपने दिलों में बसाइए, इंशाअल्लाह तमाम इबादत का बजा लाना हमारे लिए आसान होगा। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे दिलों में अल्लाह अपनी मोहब्बत को बसा दे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस जाए, तो इंशाअल्लाह दीन पर चलना, इबादत का बजा लाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और रमज़ान भी गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम इबादतों का अहतमाम करेंगे। और अगर हम कल्बी इबादत पर तवज्जो नहीं देंगे, तो रमज़ान गया और हम भी नेकियों से गए, तो इन इबादत का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना हुआ और ना
करना होगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपनी जिंदगी को बना लें, कल्बी इबादत को बसा लें और इसी पर इस्तकामत इख्तियार करें। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत आनी चाहिए रब की ताबेदारी और फरमाबरदारी के ऊपर। अल्लाह हम सबको कौल व अमल की तौफीक दे और कौल व अमल के तजाद से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह हम सबको दुनिया में भी इज्जत दे और हमारे दुश्मनों को जेर जबर कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين।